और अचानक से एक बैड डे आ गया, यार किसी और के साथ वो बैड डे क्यों नहीं आता? क्या कभी आपने ये सोचा कि किसी और के साथ वो बैड डे क्यों नहीं आता, हमारे साथ ही क्यों आता है? वो बैड आधा घंटा किसी और के साथ क्यों नहीं आता, हमारे साथ ही आता है? तो भाई इस सवाल को आप अगर अभी से यू ब्रश इट अंडर द कारपेट तो ठीक है, लेकिन इस सवाल का कभी ना कभी जवाब ढूंढना जरूरी होगा। इंडिया पांचों आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल 10 साल में हारा है, 5 खेला पांचों हारा है, कोई तो वजह होगी। और बड़ी वजह यह भी है कि आप हर मैच वन साइडेड हारे हैं। आपने ड्राई विकेट बनाई, उसको रोल नहीं किया, उसको मतलब टू पेस रहा, पैचेस छोड़ दिए, कहीं रोल हुआ कहीं नहीं हुआ। सावनिक्रम भारत जिस पर सबसे बड़ा इल्जाम ये लगता है कि वो आईसीसी पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है अपने बोर्ड यानी बीसीसीआई की वजह से, यानी बीसीसीआई के थ्रू, क्योंकि एक बड़ा पैसा बीसीसीआई आईसीसी को मुहैया करता है, चाहे वो लीग क्रिकेट हो या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट। क्रिकेट की सबसे बड़ी मार्केट है भारत, और इस वजह से इस बार जितने भी बड़े ब्लंडर्स होते रहे, बहुत से मुल्कों ने बाकायदा तौर पर इल्जाम भी लगाए। दुनिया के हर मुल्क का मीडिया तो कहता ही रहा, लेकिन बाकायदा तौर पर बोर्ड ऑफिस भी शिकायत करते रहे। सेमीफाइनल में जो पिच का मामला हुआ था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने जो तस्वीर वगैरह खींची, उस पर भी बड़े तबसे और मीम्स बनती रहेंगे। ये तो चारपाई रखकर पिच के पास लेटा हुआ है ताकि कोई पिच तब्दील ना कर दे वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी भारत बड़े बुरे तरीके से कल का मैच यानी वर्ल्ड कप फाइनल हारा। और आम बात यह है कि हारा भी वन साइडेडली, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी आउट हुए, उसके अलावा तो कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जब ऐसा लग रहा हो कि भारत गेम के अंदर है। इस सारे मामले पर अब पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। विक्रांत गुप्ता क्या कुछ कहते हैं एक एक खिलाड़ी के बारे में, और गुज़श्ता 10-12 सालों से जो भारत की टीम किसी भी बड़ी ट्रॉफी से महरूम है, इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा सेटअप खड़ा करने के बावजूद उसकी क्या क्या वजूहत है, क्या इनकी ये 2 नंबरियां या फिर प्रेशर ना झेल पाना इस सब की वजह है? आइए विक्रांत गुप्ता की जुबानी आपको बताते हैं। यार ऐसा बार बार तो नहीं होना चाहिए, मतलब इस बार तो मैं प्रिपेयर नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगता था कि नहीं, जिस तरह इंडिया एशिया कप और वर्ल्ड कप का सफर रहा, यार ये फाइनल इस तरह का नहीं होगा। लेकिन सवाल यही है कि बार बार, मतलब 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से लेकर 2023 इंडिया जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स खेला है, ये 5वां फाइनल था। आप 2014 वर्ल्ड टी20 उठाएं, आप 2017 चैंपियंस ट्रॉफी उठाएं, उसके बाद 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल उठाएं, और ये एक उठाएं, इंडिया 5ों आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल 10 साल में हारा है, 5 खेला 5ों हारा है, कोई तो वजह होगी। और बड़ी वजह यह भी है कि आप हर मैच वन साइडेड हारे हैं। आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस साल हारे, ऑस्ट्रेलिया आपको 2 बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हरा गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और ये वर्ल्ड कप का फाइनल, एक तरफा दोनों। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया न्यूजीलैंड से हारा, एक तरफा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंडिया पाकिस्तान से हारा, एक तरफा। और 2014 का जो वर्ल्ड टी20 का मुकाबला था वो भी तकरीबन एक तरफा ही था। तो अब सवाल बड़ा ये हो जाता है, जो इंडियन फैंस, यस हम सब कहते हैं वेल प्लेड टीम, वी आर प्राउड ऑफ यू बॉयज, बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर कल हम ये सवाल क्यों उठाते हैं कि यार टूर्नामेंट तो जीते नहीं। या तो आज ही तय कर लीजिए कि ठीक है हम इतने में खुश हैं, यहां तक आ गए कोई बात नहीं, हमने नहीं जीता तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप क्रिकेटिंग सुपर पावर हैं तो भाई क्रिकेटिंग सुपर पावर 10 साल एक बड़ी ट्रॉफी का इंतजार नहीं करती। बावजूद इसके कि आपकी ये बेस्ट टीम थी, शायद आपकी टीम बड़ी जबरदस्त थी, आपकी टीम चल बड़ा अच्छा रही थी, और कप्तान ने ना वो करके दिखाया था कि भाई मैं हूं। उसके बाद विराट कोहली देखिए 765 के करीब रन है उनके, मोहम्मद शमी यार क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस भी थी, 11 के 11 खिलाड़ी परफॉर्म भी कर रहे थे, और अचानक से एक बैड डे आ गया। यार किसी और के साथ वो बैड डे क्यों नहीं आता? क्या कभी आपने ये सोचा कि किसी और के साथ वो बैड डे क्यों नहीं आता, हमारे साथ ही क्यों आता है? वो बैड आधा घंटा किसी और के साथ क्यों नहीं आता, हमारे साथ ही आता है? तो भाई इस सवाल को आप अगर अभी से यू ब्रश इट अंडर द कारपेट तो ठीक है, लेकिन इस सवाल का कभी ना कभी जवाब ढूंढना जरूरी होगा। जीत तो चाहिए। अब आप ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आप 7 महीने बाद वर्ल्ड टी20 खेल रहे होंगे वेस्ट इंडीज में, यूएस में, क्या वहां पर भी इंडिया ये सोच के जाएगा और हम फैंस ये सोचे कि बस टीम जा रही है यार फाइनल तक पहुंच जाए तो हम तालियां बजाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप हारते हैं पर आप जीतते भी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसी साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंटें जीती और दोनों आप ही से जीती हैं, तो कोई तो वजह होगी कि बड़े दिन वो बेहतर खेलते हैं। क्या आप सोच में पड़ जाते हैं ये मैच इंडिया कहां हारा, 240 रन थे ही नहीं, 240 रनों में यार एक्चुअली वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीता जाता। फिर आप कहेंगे 47/3 तो कर दिया था, वो कर दिया था, लेकिन उसके बाद दोनों एंड से 2 स्पिनर आ गए, गेंद खुल गई, और शायद रोहित के पास उतने रन नहीं थे कि जब जडेजा आए तो एक स्लिप भी लगा के रखते। अब रोहित तो ये सोच रहे हैं ना यार इनकी 3 विकेटें तो गिर गई, बड़े तेज खेल रहे हैं यार, ये चौका नहीं आना चाहिए, मैं रन रोक लूं।
अब आपके पास वो 40 रन होते एक्स्ट्रा, तो शायद आप एक स्लिप भी रखते, आप फास्ट बॉलर को दो स्लिप रखते, आप कहते आओ बनाओ मारो चौका मारो छक्का, पर आप विकेट लेने में डेस्परेट तो थे, बट आपको रन भी रोकने थे। अब जब रन रोकने हैं तो भाई फील्डर तो 11 ही टोटल मैदान में होंगे ना, 15 लोगों के साथ तो आप फील्डिंग कर नहीं सकते कि दो स्लिपे भी रख देता हूं और दो बाउंड्री में भी रख देता हूं। तो आप 240 रन बना के मैच हार गए थे, पर वो 240 को ब्रेक डाउन करें, शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, कुछ नहीं किया जा सकता। रोहित शर्मा ने अगेन, मैं कहता हूं अनबिलीवेबल स्टार्ट किया यार, वर्ल्ड कप फाइनल में इस तरह का स्टार्ट, और रोहित जिस तरह बैटिंग कर रहे थे अगेन यही लग रहा था बार बार यार, आज तो 350 रन बोर्ड पे है। विराट ने भी आज देखिए बड़ा अच्छी शुरुआत की, विराट ने वो जो 3 लगातार चौके मारे और टच में दिख रहे थे। रोहित का वो डिसमिसल, आई थिंक रोहित को सारी उम्र शायद वो डिसमिसल याद रहेगा, छक्का मारा चौका मारा और फिर खड़ी करके आउट हो गए, उनका कैच अच्छा पकड़ा गया। अब वर्ल्ड कप जीतना तो कैच तो अच्छा पकड़ना ही पड़ेगा, कपिल देव ने भी पकड़ा था विव रिचर्ड्स का कैच। उसके बाद क्या हुआ, श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, ठीक है कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टू पेस विकेट है, ये विकेट तो आप ही ने तैयार की ना, अच्छी विकेट पे खेल सकते थे लेकिन आप ओवरथिंक करते रहे, आपने ड्राई विकेट बनाई उसको रोल नहीं किया, उसको मतलब टू पेस रहा, पैचेस छोड़ दिए, कहीं रोल हुआ कहीं नहीं हुआ, उससे क्या होता है कुछ कुछ गेंदें नीचे रहेंगी कुछ कुछ ऊपर आएंगी कुछ टर्न होंगी, और आपको जरूरत नहीं थी वर्ल्ड कप फाइनल में ये सब करने की। चेपॉक का मैच भी तो ऐसा ही था ना, अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन उस दिन और बनाए होते वो जीत सकते थे। सो जब आपकी टीम बेहतर विकेट पे रन बनाती है क्यों आप गड्ढे में गिरना चाहते हैं? बल्कि मैं तो हैरान हूं, इंडिया ने 13 या 14 चौके मारे हैं, 50 ओवर खेल के 13 या 14 चौके हैं इंडिया के, और इंडिया की टीम को हमेशा ही कहा जाता है स्ट्रोक प्लेयर्स या बाउंड्री हिटर्स, बाकी टीमें विदेशी कि वो तेज सिंगल तेज दो तेज तीन चौका आ गया ठीक है, हम तो चौकों पर खेलते, उसके लिए विकेट तो अच्छी चाहिए। तो आपकी ताकत आपने भूल आके अपनी सामने वाली टीम की कमजोरी पे गड्ढे पे फंस जाएंगे वो ले ली। अब 20 से 30 में आपने क्या किया, 20 से 30 में आपके 72 रन बने जी, विकेटें नहीं गिर रही है पर रन 72 बने। आई थिंक केएल राहुल आज बहुत दबाव में खेले, जब पैट कमिंस ने अटैक किया गेंद फंस रहा था गेंद आ नहीं रहा था, तो राहुल के पास शायद ए वो डर था यार हिट मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा। विराट को भी कहीं ना कहीं जो रन रेट था स्ट्राइक रेट गिरना शुरू हुआ क्योंकि राहुल एक एंड पे फंस गए थे, अब वो फंसे रन आ नहीं रहे, 20 ओवर में अगर आप 72-75 रन बनाओगे यार तो आप कैसे बनाओगे 350। उसके बाद क्या हुआ, एंड गलत वक्त पर विराट आउट हो गए, वहां पर भी मुझे 280-290 दिख रहे थे। विराट के बाद इंडिया ने एक और गलती की, डिफेंसिव माइंडसेट, सूर्य को रोक लेते हैं यार आखिरी 8 ओवर में जडेजा को भेज दिया। अब जडेजा को भेजते वक्त आपका क्या इंस्ट्रक्शंस थे, जडेजा आप थोड़ा ना वक्त लेना या रन बनाना, वक्त से वनडे मैच नहीं जीता जा सकता, वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीता जा सकता, वो रनों से ही जीता जा सकता है। 22 गेंदों में 9 रन, वो भी आउट हो गए। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, अब सूर्य कुमार यादव ने भी इस वर्ल्ड कप में जितने मौके मिले एक मौके को बुनाया था, बाकियों में उन्होंने उतना कुछ मौके बुनाए नहीं, फिर भी मुझे लगा कि यार आज सूर्य कुमार यादव के लिए ड्रीम होगी, बड़े विकेट शायद उनके लिए नहीं था टू पेस था। अब वो एक शॉट बार बार ट्राई करते रहे ये वाला,